मुंबई में आधे घंटे बाधित रही लोकल ट्रेन सेवा, हजारों यात्री हुए परेशान। पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि गोरेवामा गांव में सुबह ट्रेन की सिग्नलिंग में तकनीकी खराबी के कारण संचालन प्रभावित हुआ, जिसे बाद में दुरुस्त कर लिया गया है। मुंबई में तकनीकी समस्या के कारण पश्चिम रेलवे सेवा गोरेगांव के पास बाधित हो गई थी। गोरेगांव और अंधेरी के बीच आधे घंटे से अधिक समय तक रेलवे सेवा बाधित रही, जिसके कारण पश्चिमी रेलवे लाइनों पर सभी स्थानीय और एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। इससे हजारों यात्री भी फंसे रहे, उन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ा। तमाम लोग समय पर दफ्तर नहीं पहुँच पाए। दरअसल यह समस्या सिग्नल फेल होने के कारण सामने आई। सुबह करीब 7:05 पर पश्चिम रेलवे सेवा का सिग्नल ध्वस्त हो गया, जिसे 7:50 पर ही ठीक किया जा सका। इसके बाद फिर से लाइन सेवा का संचालन शुरू हुआ। पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने कहा, गोरेगांव में सुबह 7:05 पर ट्रेन के सिग्नलिंग में तकनीकी खराबी के कारण रेल सेवा प्रभावित हुई थी। इसे सुबह 7:50 पर बहाल किया गया है। इसके चलते कुछ ट्रेनों की देरी हुई है, लेकिन ट्रेन की लाइफ लाइन माने जाने वाली है। आधे घंटे तक सेवा बाधित होने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना। Audio.